बस थक जाओगे यार भाई। क्रेजी आर्मी है, टाइटेनियम आर्मी है यार, उतना हल्ला नहीं हो रहा यार। हेलो गाइस, मैं हूं अमित भाई। फाइनली वो टाइम आ गया है, वो मोमेंट आ गया है, वो लम्हा आ गया है आप लोगों से मिलने का जयपुर में। गाइस 2 बजने वाले हैं, फिलहाल 1.5 घंटा बाकी है और अभी से एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही। अब गाइस देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन मजा बहुत आने वाला है ये जरूर से पता है, क्योंकि भाई आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत दिन बाद में। पिछली बार जब हम मिले थे तो बहुत सारा मजा आया था, आप लोगों ने इतना प्यार दिया था, इतना सपोर्ट दिया था। आज फिर से मिलेंगे और गाइस आज है राजस्थान आईटी डे, तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है बेसिकली, और दिलराज भाई भी हैं। तो अभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ, हम लोग होटल जस्ट पहुंचे हैं, तो अब जो आगे की पूरी जर्नी है, जो स्टोरी लाइन है, वो आपको दिखाएंगे इसमें कि क्या होता है, कितना प्यार हमें ऑडियंस का मिलता है, कितना प्यार आप लोगों का मिलता है। वैसे मुझे पता है गाइस बहुत सारा मिलता ही, हमेशा मिलता ही रहेगा। वीडियो के लिए सब लोग लाइक जरूर से कर देना, आपको दिखाते हैं मजे लो सब। गाइस दिलराज भाई भी यहां पर आ रहे हैं और अभी हम भी उनसे नहीं मिले, तो वो आ रहे हैं 5 मिनट का, अभी मुझे नाम लिया है, तो पहले उनसे मिलते हैं, बातें चीतें करते हैं, उसके बाद में चलेंगे ऑडिटोरियम में। अरे 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 रुक तो जाओ यार। हेलो ओ भाई, दमादम बजाए जा रहे हो यार आप लोग तो। ओहो दिलराज भाई, छुपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं दिलराज भाई? दिलराज भाई एक बात, हर जगह मजे ले लेते हो आप, है ना? चलो अंदर चलते हैं, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। इतनी बार घंटी किसने बजाई? अमित भाई के ना 100 कोड़े पड़ गए। अरे नहीं अमित भाई, जल्दी करो नहा लो आप। अरे ठीक है, आप तैयार व्यार हो के ऐसे ही चलेंगे बिल्कुल। मैं भाई, मैंने खाना भी नहीं खाया, बहुत ज्यादा। रुको भाई, ये देखो, मैं इसको छू लूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? 22 कैरेट। अरे भाई कितने करोड़ का है ये? यार ज्यादा नहीं, 100 करोड़ का है गाइस। 500 बीघा जमीन बेची इसके लिए। अच्छा आप बहुत अच्छे लग रहे हो सही में, आपके जूते सबसे मस्त लग रहे हैं मेरे को। बहुत बड़ा शोरूम दिखा, उस अच्छा। शोरूम के 4 टायर थे। टायर वाला शोरूम कौन सा आता है? अरे थेला। अच्छा नहीं ठीक है, चीज बढ़िया लगनी चाहिए यार, कहीं से भी लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। और रोलेक्स गाइस, ये जो घड़ी है इसमें 5 तो हीरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए जमीन बेचनी पड़ी थी। वाह, अच्छा जमीन बेचनी पड़ी थी ना भाई, जमीन बेच के नहीं ली है। ये जो गाइस, ये जो घड़ी है, ये है ना, एक बार है ना एक मेट्रोइड आके गिरा था, उसके अंदर बहुत सारी अनोखी अनोखी धातु, वो जैसे वो पीके में आती है ना, पीके मूवी में वो हीरा मिला था, तो उस धातु से ये घड़ी बनी है गाइस। अपने सारे लोग वेट कर रहे हैं भाई लोग, तो आप उसके लिए, उसके बारे में बताओ ना यार। नर्वस फील कर रहे हो क्या अभी? बहुत ज्यादा भाई, मैं तो कर रहा हूँ यार, रियल मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब आप लोग कभी गलती से अपन टकरा जाते हैं, जब आप मिलते हो, आपको थोड़ी थोड़ी सी होती है ना, तो हमें भी हो रही है यार, हम भी वही फील करते हैं जो आप फील करते हैं भाई। बात ऐसी है कि आप लोगों से जब तक नहीं मिल लेते ना, जब तक आपके सामने नहीं पहुंच जाते, जब तक आपके सामने हम टिक नहीं जाते, तब तक ये थोड़ा सा रहता ही है कि इतने लोगों से मिलेंगे क्या, मतलब क्या रिस्पॉन्स रहेगा, कैसा लोगों में एक्साइटमेंट रहेगा, कितना मजा आएगा, वो थोड़ा सा मन में चलता ही है। भूल ही गया वहां पे बोलना क्या है। मैंने तो सोचा ही नहीं बोलना क्या है। एक काम बाकी रह गया है, वीडियो शूट चल रही है, बीच में नहीं बोला करते इन दोनों को। अरे देखो तुम्हारी टीम में ये तो हमेशा का ही है, ये तो चल ऐसे चलता रहता है। क्या बातें कर रहे थे तुम भाई पीछे बैठे? इनसे नहीं कह सकते भैया, ये तो वो है ना, वो क्या करोड़पति, क्या नाम, चन्नीलाल। गलती होगी तो क्षमा मत करना। अरे क्योंकि हम लोग अभी आए ना यार, तो अमित भाई इनकी घड़ी के बारे में कुछ बताइए। भाई इनकी जो घड़ी है वो आई है खास अजमेर से, और ये भाई, ये जो है दिलराज भाई ने गिफ्ट करी थी, तो अभी दिलराज भाई खुद के मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहते हैं। मैंने करी थी? हाँ मैंने की थी यार। गाइज अब क्या होता है, सारा झूठ पे झूठ चल ही रहा है, तो और चल ले तो गाइज क्या बात है। हम लोग सुबह उठे, उठ के बस नहा धो के भागे, कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक चाय थी। गाइज यहाँ से थोड़ा सा दूर का रास्ता है, यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है, जहाँ पे जो इवेंट है पूरा ये वाला है, तो यहाँ से 15 मिनट जाने की लगेगी। अभी मुझे थोड़ा सा तैयार होना, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। गाइज हमारे पास में बहुत कम टाइम है, और अभी मुझे गाइज थोड़ा सा शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि हम लोग बस, मैं तो गाइज उठ के आया था सीधा, बस इतना ही किया है, तो अभी हम जा रहे हैं। लिफ्ट आ गई है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे लग चुका है एंट्री पास। कैसा लग रहा है भाई? मजा आ रहा है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी नहीं आ रही। हाँ भाई कैसा फील हो रहा है? तो गाइज
वी आर रेडी टू गो। दिलराज भाई जो है दिलराज भाई आ गए। ओ रे वो आ गए। गाइस अब बैठ रहे हैं, फटाफट से निकलते हैं ना, लेट्स गो। भाई बारिश आ गई है बहुत तेज, होटल से निकल रहे हैं यार, गड़बड़ हो गई है बारिश वाली तो यार। अब मुझे लग रहा है कहीं यार लोग भीग नहीं रहे हो, वैसे तो डोम है पूरा बंद है वो, लेकिन सोचो इतने टाइम से बारिश नहीं आई, इसी टाइम आके बारिश आनी थी। तो भाई हम लोग हो चुके हैं एंटर और बारिश की वजह से मुझे लगता है सब लोग अभी फिलहाल अंदर है। गाइस यार बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और लोग आ रहे हैं, लेकिन अब वही बात है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम एकदम से तो बाहर नहीं निकल सकता। अभी वहीं जा रहे हैं भाई, आ रहे आ रहे, अरे वहीं तो जाना है भाई, आपसे मिलने तो आए यार। लगी नहीं रहा कि पहली बार मिल रहे हैं भाई से मिला, लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे हम लोग मिल नहीं पाए थे यार, थोड़ा सा मैच नहीं हो पाया था, लेकिन अब मस्त मजा आया स्टेज खत्म करने का। और बाकी बहुत सारे लोग भाई बाहर वेट कर रहे हैं, तो आपसे मिलेंगे आराम से भाई, है ना। ओके अपने लाइफ पे, क्योंकि हमारे सामने कैमरा होता है, अब आप सब लोग देख रहे हैं, मुझे तो वही फील आ रही है, उससे कहीं ज्यादा एनर्जेटिक वाली आ रही है। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले आपको थैंक यू वेरी मच, आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए हैं, तो उसके लिए मैं और दिलराज भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत सारी बातें करेंगे, बाकी देखो वहाँ पर मेरे को दिख रहा है टाइटेनियम आर्मी, अरे भाई तो भाई का ध्यान नहीं है यहाँ पे, ये प्यार है भाई। देखो जिसने जो कोई आर्ट बनाया ना भाई, थैंक यू वेरी मच यार, बहुत मेहनत लगी है भाई, क्रेजी आर्मी है, टाइटेनियम आर्मी है यार, उतना हल्ला नहीं हो रहा यार, ये बात क्या रहा है बता, अरे ये जोश दिखाओ भाई, नहीं तो देखो बेइज्जती हो जाएगी, कल को लोग बोलेंगे दोनों साथ में थे तब भी हल्ला नहीं हुआ यार। अरे चलो एक बार शोर मना दे सबको, आप करते हैं आपका जोश इतना ज्यादा है कि फिर मुझे खुद की आवाज ही नहीं सुन रही इतने बड़े स्पीकर के बाद भी भाई, मुझे पता है गाइस, अब ठीक है फिर से मचाना, एक बार और मचा लो, बस अब एक मिनट सुन लेना भाई, किसी भाई ने दिलराज भाई दिखाऊं आपको कुछ, किसी भाई ने बहुत मेहनत करके कुछ बनाया, ये देखो गाइस, ये देखो तालियां बनती है भाई, थैंक यू वेरी मच, ये थोड़ा सा फट गया है पता नहीं कैसे, बट थैंक यू वेरी मच। ये एक्चुअली में जो डिसीजन होता है ना, ये लाइफ के सबसे, मुझे तो लगता है मेरी लाइफ के सबसे मुश्किल डिसीजन में से था ये,
कि अपना जॉब छोड़ के ऑफर छोड़ के और कुछ ऐसी चीज करना, दिलराज भाई पता है ना कितनी डिफिकल्ट, एक अलग ही स्ट्रीम है, कोई जानता नहीं है, कोई समझता नहीं है इस फील्ड को, तो उस स्ट्रीम में मेरे लिए आना बहुत ऐसा था कि मेरे सामने बड़ा रिस्क था कि कहीं मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कर लूँ। YouTube पे व्यूज इतने नहीं आ रहे थे, लोग इतने जानते नहीं थे, पैकेज छोड़ दिया था, घर वाले बोल रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो या प्राइवेट कंपनी में जॉब करो। मेरा 18 लाख रुपए का पैकेज था उस टाइम, तो बहुत बड़ा लगता था कि यार 18 लाख रुपए साल के अगर मिलेंगे तो क्या नहीं रहेगा। लेकिन बात वही है, YouTube से कुछ नहीं कमा पा रहा था, 30-40 हज़ार रुपये महीना कमा पा रहा था। मैंने छोड़ा प्राइवेट जॉब को, YouTube को लिया कि एक चीज़ करते हैं, मुझे पता है कैसे करना है, मुझे पता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो अपने दिल की सुनी वही किया। आप लोगों का प्यार मिला, आप सब लोगों का साथ मिला, दिलराज भाई जैसे दोस्त मिले और आज भाई आपके सामने है जो भी, और अभी बहुत आगे जाना है भाई। और ये मैं अपनी स्टोरी बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग समझें इस बात को, ये करना पॉसिबल है भाई। देखो एक बात तो हम लोग मानते हैं ना, गूगल का नाम सुनेंगे और आप सबको पता है कि इंडिया के लोग वहाँ पे गए और सोशल मीडिया का बड़ा बना दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्यों ना अपने इंडिया से लेके गूगल से भी बड़ी कंपनी इंडिया में एंटर नहीं बनाते। अर्जुन भाई हमारा हमारी स्टोरी थोड़ी ऐसी, हाँ मैं फिर भी एक शेयर करता हूँ गाइस, जो हमारा सबसे एक्सपेंसिव वाला जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ ना आज तक, वो चीज़ कभी किसी ने देखी नहीं है, वो देखी नहीं भाई, क्योंकि मतलब हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा जिस चीज़ में वो चीज़ ही फेल हो गई। गाइस आपको नया दिखाने के लिए हम कुछ करते हैं, हाँ भाई ऐसा हमारे काम में तो होता है, और हम हर वीडियो में आपको मिलेगा। मैं खुद बोल के कहता रहता हूँ भाई प्लीज़ इस चीज़ को ट्राई मत करें, इस चीज़ को ट्राई नहीं करना, क्योंकि एक्चुअली में रिस्क होता है गाइस। एक बार क्या हुआ भाई, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मैंने अपने हाथ में कुकर पकड़ रखा था, मतलब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर रहा था, कुकर जिसमें चावल पकाते हैं, तो उसमें हम लोग एक गैस बिल्ड कर रहे थे दो केमिकल्स को मिक्स करके। अब हमें लगा कि गैस बिल्ड होगी धीरे धीरे पाइप में से आएगी, होना यही था, हुआ यही, लेकिन जैसे ही कुकर बंद किया गैस की जो प्रोडक्शन रेट थी बहुत हाई हो गई और इतना तेज गैस बनी भाई, उसके अंदर इनफ्लेमेबल गैस थी, नाम तो बताऊंगा ही नहीं मैं उस गैस का, दिलराज भाई समझ गए होंगे तो आप भी समझ गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी बच्चों को नहीं बताना चाहता हूँ। तो वो जो कुकर है मेरे हाथ में पकड़ रखा और मेरे हाथ में फट गया, इतना तेज आवाज आई और सब कुछ धूल गया, जिस टेबल पे रखा हुआ था कुकर वो टेबल नीचे से उसकी लकड़ी फट गई और कुकर का जो नीचे का हिस्सा नीचे घुस गया, ऊपर का हिस्सा गया हवा में उड़ते उड़ते, और भाई हम सब लोग बाल बाल बच गए। अगर वो ज़रा सा भी इधर उधर हो जाता या कुकर ब्लास्ट कर जाता, उसका ढक्कन नहीं फटता, अगर पूरा ब्लास्ट कर जाता तो पता नहीं मेरी आँख जाती या हमारे किसी टीम मेंबर का कोई और कोई चेहरे वेरे पे कहीं नहीं लग सकती थी, बहुत रिस्क हो जाता। और एक चीज़ और हुई थी अभी, वो एक्सपेरिमेंट करते टाइम नहीं हुआ था, उस टाइम भी थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा तो क्या बहुत ज़्यादा लगा था भाई, मुझे स्नेक बाइट हो गया था, मुझे कोबरा ने बाइट कर लिया था, तो एक वो दिन था मेरी ज़िंदगी का। लेकिन आप सब लोगों की दुआएं भी उसमें कहीं ना कहीं एक अहम किरदार रखती हैं कि भाई इतना कुछ होने के बाद भी, इतना ख़तरा आने के बाद भी सब कुछ टाइम से हो गया और आपके सामने भाई बैठा हूँ, ये आप सबके प्यार और आप सबकी दुआएँ का असर है भाई, थैंक यू वेरी मच। कई बार आपकी डिमांड आती है कुछ हॉन्टेड बनाओ, भूतिया बनाओ, तो भाई आप हमारी रातों की नींद उड़वा देते हो यार, क्या करें करना पड़ता है। तो इस तरीके से सुबह से लेकर रात तक गाइस कुछ नहीं पता, वीडियो के अकॉर्डिंगली जो है रूटीन बनता है।
भाई साहब क्या क्राउड था यार यहाँ पे। सभी से माफी चाहूंगा कि हम इस तरीके से जा रहे हैं, लेकिन क्या करें रास्ता नहीं है। सभी से जो काम कर लो इसको भाई, सॉरी यार सॉरी, थैंक यू। तो गाइस हम ये पता नहीं कौन सी जगह आ गए अब। अब हमको कहाँ पे घुसा रहे हमें ये भी नहीं पता भाई। तो गाइस यहाँ पे माहौल बन चुका है, दिलराज भाई बना रहे हैं और पब्लिक देखो एक बार गाइस, एक मैराथन होने वाली है यहाँ पे। जय तो गाइस हो गया काम, मजा आ गया। और आप लोगों ने भाई कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, पांच छह दिन तक है ना ज्यादा नहीं, 15-20 दिन मान लो। जयपुर में यही चर्चा चलेगी भाई, उस दिन हुआ क्या था और उस दिन लोगों ने क्या किया जयपुर में, लोगों ने तबाही मचा दी। मतलब आप लोगों ने, टाइटेनियम आर्मी ने, क्रेजी आर्मी ने जो किया है, दिल खुश रहने वाला है बहुत दिन तक भाई। हिला के रख दिया, मजा मतलब आ ही रहा है। वो अभी भी यार दुख हो रहा है यार, क्यों वो चीज छोड़ के आ गए हम लोग यार। लेकिन अब बस क्या करें यार, अमित भाई हम दोनों ही दिल से ये बात बोलना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच एक एक पर्सन को जो कि हमारे लिए वहां पर आया। सभी को देखो यार, एक चीज आपको भी समझनी पड़ेगी, इतने लोगों से पर्सनली हम चाहकर भी नहीं मिले, फिर भी हमने पूरी कोशिश की कि हम, हमारी भी मैनेजमेंट से काफी बार इस बात को लेकर लड़ाई होगी, हमें आपसे मिलना था। आप देखो दो तीन बार हम जबरदस्ती उधर आ गए भाई, धक्का मुक्की हो गई थोड़ी सी, क्योंकि यार गाइज कंट्रोल हुआ ही नहीं। आपका इतना ज्यादा जोश था, इतना ज्यादा यार, मतलब लोगों में वो थी कि भाई मिलना है देखना है, उसके चक्कर में मैं, पता है भाई मैं डर रहा था, मैंने कहा यार अपने वीडियो तो डाल दी, अगर लोग आए नहीं तो क्या होगा, लेकिन जो लोग आप आए सोच से बढ़कर। और भाई मैं माफी मांगना चाहूंगा उस चीज के लिए कि अगर किसी के साथ धक्का मुक्की हुई, किसी पुलिस वाले ने, किसी बॉडी गार्ड ने, किसी तीसरे बंदे ने, कोई हमारे सब्सक्राइबर ने, किसी ने एक दूसरे को अगर थोड़ा बहुत धक्का मुक्की कर दिया कुछ भी, तो भाई तहे दिल से सॉरी, आपने नहीं हमने भी बहुत धक्के खाए भाई। हाँ सही कह, हम तो हम खुद, मैं एक बार ही कहता, मैं ऐसे ऐसे मेरे को हाथ पकड़ के ऐसे लेके जा रहे थे, मैं इधर जाने लगा हूं, इधर जाने लग रहा हूं। और मेरे साथ क्या हुआ, वो पुलिस वाले थे, अब उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा भाई, मेरे को एक पुलिस वाले ने पकड़ा और इतना तेज खींच के भगा दिया, चलो यहाँ से क्या है। मैं कहती मैं स्पीकर हूँ, मैं बोलने आया हूँ, मेरे को जाने दो। अरे हम तब भी नहीं बोले, हमें नहीं पता, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं कौन आ गए हैं गाइस। जब हम मेरे को उस ऑफिसर से लेके गए बाद में यार, बहुत बेकार हुआ। अब मेरे साथ गाड़ी के अंदर बैठ गए भाई, तो वहाँ पे भीड़ देखी, तो ड्राइवर है ना जो गाड़ी चला था, वो घबरा गया, उसको कुछ सूझा नहीं, गाड़ी लेके भाग गया एकदम से आगे। अरे मैंने कहा भाई कहाँ लेके जा रहे हैं आगे, और आगे बैरिकेडिंग्स थी, तो वो जैसे ही घुमा के फिर से वही पुलिस वालों वाले सीन हो गया कि वो पुलिस जो प्रशासन था, तो उन्होंने उसको जाने ही नहीं दिया, उसको धक्का दिया, बोले निकल कौन इधर से हो रहा है। लेकिन कुल मिला के ऐसा है भाई, सब मस्त हो गया। अब बस यही खत्म करते हैं इस चीज को, लाइक सब लोग कर देना इसके लिए, ठीक है गाइस। बनता है आप अपने लिए लाइक कर दो गाइस, हमारे लिए तो भाई इतना हमने देख लिया, प्यार आपने दे दिया, मैं तो कहूंगा ही नहीं, हमारे लिए करो। आप अपने लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो, सुबह से गाना नहीं खाया किसी ने भी, लेकिन कोई कम नहीं है आज के लिए, इतना ही खुशी से। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय महाराज।